रखा गया था इसलिए क्योंकि अननेसेसरी जो 19 फरवरी को जो इंसिडेंट हुआ था तेजू में जो मॉक लिंचिंग था तो उसका कारण में हम लोग ने बंद को किया है क्योंकि अननेसेसरी हम लोग का लीडर्स को पकड़ रहा है। फॉर्मर डीएसयू का प्रेसिडेंट को भी पकड़ा गया, उसको एक महीना से ज़्यादा रखा गया लेकिन आज तक एसआईटी ने एक टू क्लू नहीं लाया उसके लिए। तो अभी फिर हम लोग का आमसू प्रेसिडेंट जेएस को पकड़ा गया है और हम लोग का फॉर्मर आमसू लीडर को पकड़ा गया है, फिर भी ये लोग अननेसेसरी ऐसे करेगा तो हम लोग नहीं माने। आप लोग सही तरह का इन्वेस्टिगेशन करो, अगर करना है तो हम लोग फॉलो करेगा, आप लोग को हम लोग कोऑपरेट करेगा सही से आप लोग करता है तो। लेकिन आप लोग अननेसेसरी हर किसी को क्या ये समन लेटर बुला के अरेस्ट करता है, किसी को क्या करके अरेस्ट करता है, ऐसा करेगा तो आप कितना अभी तो पब्लिक खौफ खा गया अननेसेसरी। ये एक मॉक लिंचिंग था, हम लोग का कोई स्टूडेंट का कोई लीडर का हाथ नहीं था, किसी लीडर का हाथ नहीं है। स्टूडेंट लीडर अपना अपना काम कर रहा था और उस वक्त एक मॉक मीटिंग हो गया। इसमें जो फेल है एसबी एसआईबी लोग का फेल है, एडमिनिस्ट्रेशन का फेल है, पुलिस डिपार्टमेंट का फेल है क्योंकि वो लोग बोलता है हम लोग 18 को पकड़ा था तो 19 में आप लोग ऐसा करता है तो आप लोग का फेल है। तो इसमें से हम लोग का लीडर को आप क्यों पकड़ रहे हैं, हम लोग का लीडर को हेरेसमेंट क्यों दे रहा है, हम लोग का आदमी को क्यों हेरेसमेंट दे रहा है। हमारा जो डीएसयू का प्रेसिडेंट और हमारा जो आमसू का एक्टिव प्रेसिडेंट ने बताया कि हमारा बंद कॉल का मॉडल जो कि हमारा जो लीडर अभी अंदर है, जो अंदर रिमांड है, उनको जल्द से जल्द रिहा करने के लिए हम लोग ये बंद कॉल रखा गया है। और आपके सामने जो 8 पॉइंट जो हाईलाइट किया गया है जो कि हमारे मिश्री समाज के अगेंस्ट में जो घटा जो घटना उसके ऊपर जो कि आप सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए, ना कि ये जो कि मॉब लिंचिंग वाला केस को लेके। और मैं कल का जो हियरिंग है, मैं गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश या हाई कोर्ट ऑफ गुवाहाटी और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि कल का रिजल्ट जो कि पॉजिटिव हो। थैंक यू। प्रपोज किया गया है पब्लिक की ओर से जो यहाँ का स्टूडेंट लीडर्स और यूनियन लीड कर रहा है इस बंद का, दो डिस्ट्रिक्ट में बंद रहा है आज अंजाव और लोहित। हमारा मेन मकसद ये है कि जो हमारा लीडर्स डिटेन करके रखा है जुझेर में, जो बिहेन सोपुर हमारा एक्स आमसू सेक्रेटरी प्रेसिडेंट आमसू प्रेजेंट एंड चौकिया तायंग जो प्रेस सेक्रेटरी आमसू, तो हम लोग का सबसे बड़ा पहला डिमांड ये है कि वो लोग को इमीडिएट रिलीज करना है विद नो कंडीशन बिकॉज दे हैव बीन डिटेन फॉर नो क्राइम। और सेकेंड बात ये है कि हम जो भी यहाँ में होता है तो उसका ऊपर में जो है गवर्नमेंट जो है कभी भी सीरियस नहीं लिया, हम लोग ये डायरेक्ट कहता है यहाँ में, क्योंकि जितना भी 7-8 घटना जो तो 2011 से लेके आज 18 तक घटा है